हेलो व्यूअर्स, आबारो एक नतून भिडियोते सकल के स्वागत जानाई। आजकल भिडियोते यूनिवर्सिटी अफ गौड़बंगे सेमिस्टार फोर और सेमिस्टार सिक्सर एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड करते हैं से विषय नहीं आलोचना करब। यूनिवर्सिटी अफ गौड़बंगे अंडारे जतगुलो कलेज रही है समस्त कलेजे सेमिस्टार फोर और सेमिस्टार सिक्सर एक्सामिनेशन सामने ही रही है। से ही एक्साम एक्सामिनेशन फर्म फिल आप अलरेडी हो गए और से विषय एक भिडियो आपलोड कर क्यों सेमिस्टार फोर और सिक्सर एक्सामिनेशन फर्म फिल आप करते हैं। से जख एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए सेमिस्टार फोर और सिक्सर तो से ही एडमिट कार्ड को वेबसाइट के क्यों डाउनलोड करते हैं से देखिए देव। तो से विषय आजकल भिडियो आलोचना करब। तई सेमिस्टार फोर और सिक्सर स्टूडेंटरा भिडियो अवश्य शेष पर्त देखते थकूँ और भिडियो भलो लगले एक लाइक कर देवें और ये विभिन्न इनफर्मेटिव भिडियोर आपडेट पवर जरा एखो पर्त चैनल के सबसक्राइब करें नीचे थका लाल बटने क्लिक कर सबसक्राइब कर पशे थका बेल आइकन के बजे रखबें। यूनिवर्सिटी अफ गौड़बंगे सेमिस्टार फोर और सेमिस्टार सिक्सर जो एडमिट कार्ड आज के 19 जून रिलीज हो से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करार्जन यूनिवर्सिटी अफ गौड़बंगे जो अफिसियल वेबसाइट रही है से ही वेबसाइटे जो है तो अपना अपन मोबाइल फोन थे ये करते पारबें। मोबाइल फोन अथवा कम्प्यूटर लैपटपर जो एक ब्राउजार ओपन करके यूजीबी एक्साम लिखे सार्च करबें। तो प्रथम जो वेबसाइटी थाकबे यूजीबी एक्साम डॉट नेट से ही वेबसाइटी ओपन करबें। अपनारा देखते ऑन स्क्रिने यूजीबी एक्साम डॉट नेट वेबसाइटी ओपन कर लेने अपशन चले आसबे। तो प्रथम जो अपशन रही है सीबीसीएस अपशने अपनारा क्लिक करबें। एखाने क्लिक करा मात्र परवर्ती पेज अपन सामने चले आसबे। तो सेखाने समस्त सेमिस्टारेर नाम शो करबे। एखन आजके थेके अर्थात 19 जून थेके सेमिस्टार फोर एवं सेमिस्टार सिक्सर एडमिट कार्ड डाउनलोड करा जाच्छे। अदार्स सेमिस्टारगुलो किन्तु एखन डाउनलोड करा जाच्छे ना। तो सेमिस्टार फोर बा सेमिस्टार सिक्सर एडमिट जदि केउ डाउनलोड करते चान सेक्षेत्रे आपनि जे सेमिस्टारेर एडमिट कार्ड डाउनलोड करबेन सेई सेमिस्टारेर नामेर उपरे क्लिक करबेन। जदि केउ सेमिस्टार फोर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते चान सेक्षेत्रे सेमिस्टार फोर उपरे क्लिक करबेन और जारा सेमिस्टार सिक्सेरटा डाउनलोड करते चाइछेन तारा सेमिस्टार सिक्सेर उपरे क्लिक करबेन। तो এই দুটো অ্যাডমিট কার্ডই কিন্তু রিলিজ হয়ে গেছে এবং দুটো সেমিস্টারেরই অ্যাডমিট কার্ড এখন আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে সেমিস্টার 4 এরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সেম একইভাবে আপনারা সেমিস্টার 6 এরটাও ডাউনলোড করতে পারবেন। তো সেমিস্টার 4 বা 6 যেটা আপনার প্রয়োজন সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলেই দেখবেন আপনাদের সামনে এই একই অপশনগুলো ওপেন হয়ে যাবে। এরপর এখানে সেকেন্ড যে অপশন রয়েছে ক্যান্ডিডেট এই অপশনে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। যদি আপনি সেমিস্টার 6 ওপেন করেন সেক্ষেত্রেও এই অপশনগুলো থাকবে। সেখান থেকে এই যে অপশনটা বললাম ক্যান্ডিডেট সেখানে ক্লিক করবেন। कैंडिडेट अपशने क्लिक कर ले तीनटे अपशन चले आसने एडमिट कार्डर एक अपशन सकले देखते पाने तो मजखान जो अपशन रही है एडमिट कार्ड से क्लिक करते हैं। एखे क्लिक कर ले नतून एक पेज चले आसें देखते एखे एडमिट कार्ड डाउनलोड करार्जन पेजटी ओपन है। प्लिज एंटार योर डिटेल्स। तो सवार प्रथम रेजिस्ट्रेशन नम्बर तो अपन यूनिवर्सिटर जो रेजिस्ट्रेशन नम्बर रही है से ही रेजिस्ट्रेशन नम्बर प्रथम बक्स एंटार करबें। तरपे फर्स्ट थ्री कैरेक्टर अफ कैंडिडेट नेम अर्थात नाम प्रथम तीनटे जे लेटर रही है से तीनटे लेटर ये बक्से लिखते हैं। तो अभी एखे एकजुन रेजिस्ट्रेशन नम्बर और नाम प्रथम तीनटे लेटर लिखे तपर डाउनलोड एडमिट कार्डे क्लिक कर दीची। रेजिस्ट्रेशन नम्बर और नाम तीनटे लेटर दिए डाउनलोड एडमिट कार्डे क्लिक करा मात्र ही अपना डाउनलोडर अपशन चले आसेंट सेव कर मोबाइल क्षेत्र में डाउनलोड बोले अपशन आसने डाउनलोड कर। तो ये आलदा एक फोल्डारे सेव कर एरपर एडमिट कार्ड की ओपन करो अपने देखिए दीची। तो ये क्योंकि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करतेबेंट एडमिट कार्डर मध्य की रही है से एक देखिए दी कारण एर आगे क्योंकि सेमिस्टार फोर एडमिट कार्ड डाउनलोड करा जा तब ए एडमिट कार्ड की डाउनलोड करा जाने क्योंकि समस्त एक्साम डिटेल्स रही है और डेट सह। तो ये से ही एडमिट कार्ड अपनारा देखते एखे सवार प्रथम जेटा रही है यूनिवर्सिटी अफ गौड़बंग एडमिट कार्ड लेखा रही है और डान दिखे कैंडिडेटर फटो और नीचे रही है तरह सिगनेचार। एरपर सवार प्रथम एक्सामिनेशन नेम लेखा रही है एखे तर कैंडिडेटर नाम तर फादार्स नेम तर रोल नम्बर जेटा यूनिवर्सिटी रोल नम्बर से ही रोल नम्बर और रेजिस्ट्रेशन नम्बर ये पार्सोनल किस डिटेल्स एखे देवा रही है। एरपर नीचे दिखे जो पे जा कलेज नेम एपनर समस्त सबजेक्ट डिटेल्स। तो ये कलेज जगह कलेज नेम देवा रही है और सबजेक्ट डिटेल्सर मध्य कौन डेटे এবং কিবার সেই এক্সামটা রয়েছে কোন টাইমে এক্সাম রয়েছে সাবজেক্ট কোড কি কোর্স কোড কি এবং কোর্স নেম কি সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে ডিটেইলস ওয়াইজ রয়েছে। যেমন এখানে প্রথমেই এক্সামটা কি বারে রয়েছে সেই বার দেওয়া রয়েছে ডেটা। তারপরে এক্সাম ডেট রয়েছে এখানে 30/6/2022। এরপর এক্সামটা কখন শুরু হবে সেই টাইম দেওয়া রয়েছে
এবং সেই সাবজেক্টের কোড, কোর্স কোড এবং কোর্সের নেম এটা রয়েছে। এইভাবে সমস্ত সাবজেক্ট ওয়াইজ কোন দিন কোন এক্সাম রয়েছে সেই ডিটেলসগুলো দেওয়া আছে। আর এর আগে যে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাচ্ছিলো সেখানে কিন্তু এই এক্সাম ডে এবং এক্সাম ডেটটা দেওয়া ছিল না, এবং এখনকার অ্যাডমিট কার্ডে কিন্তু সেই জিনিসগুলো অ্যাড হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেমিস্টার ফোর ও সিক্সের স্টুডেন্ট এখন তার যে এক্সামিনেশন রয়েছে তার অ্যাডমিট কার্ড এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এইভাবে। তো আপনি যদি সেমিস্টার ফোর ও সিক্সের স্টুডেন্ট না হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার আশেপাশে সকলের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন, যাতে প্রত্যেকটা সেমিস্টার ফোর ও সিক্সের স্টুডেন্ট এই খবরটি পেয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে তার অ্যাডমিট কার্ড নিজে থেকেই বাড়িতে বসে ডাউনলোড করে নিতে পারে। তো আশা করি সম্পূর্ণ বিষয়টি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। তবে এরপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এছাড়াও ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক পেজ, ফেসবুক প্রোফাইল, ইনস্টাগ্রাম বা টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়েও আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের যে সমস্যা থাকবে সেটা কিন্তু জানাতে পারেন।